भाई मेरे साथ हमेशा होता है, कल भी हुआ था भाग के ट्रेन पकड़ा, आज भी हुआ भाग के ट्रेन पकड़ा। मतलब मेरे साथ कि हम लोग रात को 11 बजे ऐसे 1 किलोमीटर पैदल आउटर से मतलब चल के हम लोग कानपुर, ये देखो मेरे पीछे कानपुर स्टेशन आ गया, ये जो स्टेशन सामने ये कानपुर स्टेशन, मतलब हम लोग रात के 11:30 देख रहे हो भाई, मतलब रिक्स मतलब है ही, मतलब हाँ मेरे पर ट्रिप नहीं है लेकिन हाँ ये रिक्स है ना, मतलब अब रात के हम लोग 12 बजे निकल रहे हैं। मेरे पीछे ट्रेन देख रहे हो, इसमें 10 जनरल डब्बे हैं और बाकी 11 स्लीपर हैं। हाँ एक नई दिल्ली, कितने की दिखा ट्रेन नई दिल्ली, तो भाई आज तो ट्रेन छूट गया था। असल में हुआ हूँ मैं टिकट लेने में इतना लेट हो गया, इतना लापरवाह हूँ, टिकट लेने में इतना लेट कर दिया कि ट्रेन आके खड़ी हो गई प्लेटफॉर्म पे, जब जाने लगी तब मैं भाग गया और पकड़ा। आज मैं यात्रा कर रहा हूँ प्रयागराज से न्यू दिल्ली तक, अभी शाम के बजे हैं 4 और मैं अभी निकला हूँ प्रयागराज से, इसके बाद हम चलेंगे कानपुर, कानपुर से फिर हम लोग अपना टिकट ट्रेन चेंज करके फिर उसका अगला कोई दूसरा एक्सप्रेस है उसे पकड़ेंगे, वहाँ से नई दिल्ली मॉर्निंग में 6-7 बजे पहुँच जाएंगे। अच्छा भाई आप लोग को पता है जनरल में सफ़र करने में मतलब आप लोग सोचते हैं कि बहुत भीड़ होगा, बहुत ऐसा होगा, पर ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो बस 2 बंदे हैं, 2 लोग, एक कंपार्टमेंट में सिर्फ 2 लोग हैं और बताओ इतना आराम से जा रहे हैं। सब सनसेट दिखा रहा हूँ, मतलब ये सनसेट मुझे पूरा बेस्ट लगा है, देखना आपको भी दिखा रहा हूँ। भाई सोचो ये जो मेरे पीछे ट्रेन दिख रहा है, इसी ट्रेन से मैं आया हूँ और ये ट्रेन था वहाँ पे प्रयागराज से 4 बजे और यहाँ पे इसे पहुँचाना था 9:05 पे, पर अभी टाइम देख लो, अभी टाइम हो रहा है 11:12 हो रहा है, अभी तक ये ट्रेन पहुँचा नहीं, अभी 800 मीटर पीछे है। ऐप पे चढ़ा दिए कि भाई ट्रेन कानपुर पहुँच गया है और हम लोग देखो सब पैदल जा रहे हैं, पीछे जो दिख रहे हो ये सारा पीछे, ये सब पीछे पीछे आ रहे हैं आगे की तरफ। भाई मैं भी निकल गया हूँ अकेले अब भाई, क्योंकि अब आगे जाना दिल्ली सुबह तक, देख रहे हो पीछे सारे लोग भाई पैदल पैदल निकल रहे हैं ना भाई, कैसा लग रहा है? अच्छा चल रहा है, बढ़िया लग रहा है यार, मौज मस्ती चल रहा है हम लोग, मतलब भाई सारे पैसेंजर उतर के पैदल पैदल आगे जा रहे हैं। ये मेरे कुछ आगे भी देख सकते हो, मेरे पीछे भी कुछ लोग जा रहे हैं, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, ये देख रहे हो भाई वो ट्रेन खड़ी है, सारे लोग जा रहे हैं ऐसे ऐसे, ये देखो कुछ लोग आगे भी जा रहे हैं, कुछ पीछे भी जा रहे हैं, मैं भी निकला हूँ भाई, अब आगे चलेंगे। ट्रेन समझ जाओ 2 घंटे आउटर पे रुकी रही, मतलब जा ही नहीं रहा, हम लोग यहाँ पे पायलट था उससे पूछे तो बोल रहा है भाई अभी 12 बजे जाएगी, मतलब सब नाराज़ हो गए, पूरा ट्रेन मतलब खाली हो गया, सब पैदल जा रहे हैं और जिनका जैसे जो फैमिली के साथ है वो भी मतलब वहीं रुके हैं, बाकी जो मतलब अकेले सिंगल वो निकल जा रहे हैं। देख रहे हो भाई रिक्स कितना है, देखो भाई जैसे मतलब कोई गाड़ी नहीं खराब हो जाता सब पैदल जाते हैं,
वैसे ही ट्रेन भी है, मतलब ट्रेन समझ जाओ कि खराब ही हो गया, हम लोग पैदल ही पैदल बस जा रहे हैं। ये देखो मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे आगे भी हैं, मतलब सब ऐसे ही जा रहे हैं भाई, सब मतलब ऐसे ही चल रहे हैं, और मैं भी वो पटरी पे चल रहा हूँ ऐसे इधर ही। मतलब भाई ये हिस्ट्री पहली बार मैं इतना ट्रेवल किया हूँ, इतना नहीं देखा, मतलब मैं भी इतना ट्रेवल करने के बाद ही मतलब ये नहीं देखा कि मतलब स्टेशन पर पहुँचा। हाँ लेट पहुँचती थी अलग बात है, लेकिन ट्रेन जा ही नहीं रही है, मतलब फिर बोल रहा है भाई अभी नहीं जाएगा, अभी कम से कम 12 बजे के बाद ही निकलेगा यहाँ से ट्रेन। भाई हम लोग यहाँ पे आ गए, अब ये मैं समझिए 1 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग फिर से मतलब वहाँ पीछे 1 किलोमीटर पीछे ट्रेन था, हम लोग पटरी से मतलब 1 किलोमीटर आए, वो भी रात के 11 बजे, मतलब ये एक डेंजर मतलब जो है, मतलब समझ आओगे तो वैसे ही दिन में छिनती रहती है, ये तो रात के 11 थे, मतलब हम सब लोग साथ में थे इसलिए आगे, कोई अकेला आता तो फिर जो होता भाई वो तो पता ही सबको। जा रहे मेरे पीछे 4 लोग जा रहे, वो मेरे साथ है, पीछे भी पीछे बहुत लोग है, अभी आ रहे लाइन से। देखो मैं कानपुर सेंट्रल पहुँच गया, देखो पास से करके दिखाता हूँ, मतलब कि 1 किलोमीटर हम लोग आउटर से मतलब अंधेरे अंधेरे में, वो देखो अंधेरे में अंधेरे से अंधेरे से आया, और ये देखो भाई कानपुर सेंट्रल। दिखाता हूँ इसमें भी मतलब आपको पूरा, मतलब जनरल ये पूरा इसमें 10 डब्बे जनरल ये पूरे, आप उसके दिखाता हूँ पूरा कैसा है। पर पूरा स्लीपर का मजा ले रहे हैं देखो सर, मतलब कि टिकट की है जनरल का और मज़ा ले रहे हैं स्लीपर का ये। और आप लोग क्या करते, डरते हो कि जनरल में भीड़ होगा, जनरल में होगा। मैंने देखो अभी ये चेंज किया था प्रयागराज से कानपुर सेंट्रल तक, और कानपुर सेंट्रल से फिर मैंने ये पकड़ा है, ये है कोई शायद, मैं साइड में मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेंशन कर दूंगा मैं बाद में। मैं चेंज कर रहा हूँ, इसमें करीब 10 डब्बे जनरल के हैं और बाकी 10-11 डब्बे स्लीपर के हैं। मैं अपने साथ जनरल के चौथे डब्बे में हूँ इस वक्त, मैं वही सो गया हूँ पूरा। अभी हम लोग कल पहुँचेंगे सुबह करीब नई दिल्ली, बस मैं नई दिल्ली नहीं आनंद विहार जाएगा, आनंद विहार में सुबह पहुँचेंगे करीब 11 बजे, 2 घंटे ट्रेन लेट है, हम लोग 11 बजे पहुँचेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। भाई मैं जिस ट्रेन में बैठा था उस वक्त ये ट्रेन करीब 2 घंटे लेट थी, पर अभी ये 4 घंटे लेट हो गया, मतलब ये हम लोग को 11 बजे पहुंचाने वाला था, वो 1 बजे लगभग पहुंचाएगा। आज तक मैं अच्छे से ट्रेनों में ट्रेवल किया हूँ ना, अक्सर वहाँ पे जनरल के 2 या 3-4 डब्बे होते हैं, पर ये तो पहला ट्रेन में देख रहा हूँ जिसमें जनरल के सिर्फ 10 डब्बे जनरल के हैं और बाकी 11 डब्बे स्लीपर के हैं, मतलब कि सिर्फ जनरल और स्लीपर है, एसी कोई है ही नहीं टिकट।
हाँ भाई मतलब हम लोग पहुँच गए आनंद विहार, अब यहाँ चलते आगे। और ट्रेन बहुत लेट हो गया, मतलब कि से था करीब 2 घंटे लेट, फिर यहाँ पे आते आते आनंद विहार करीब 3-4 घंटे और लेट हो गया, मतलब कि अब पूरे 5 घंटे ट्रेन लेट चल रहा है। फिर भी हम लोग पहुँचे, भूख बहुत लगा है मुझे, पहले चलिए कुछ खाएंगे उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तब तक के लिए बाय।